नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों में मुख्य नाम जो चर्चा में रहा वो था दीप सिद्धू। 26 जनवरी के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था, लेकिन आज दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। दीप सिद्धू को स्पेशल सेल की टीम ने करनाल से गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन सवाल ये कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के साथ 26 जनवरी की हिंसा के भी सारे राज खुलेंगे? सवाल आपका में, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। छब्बीस जनवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाया था। लाल किले की प्राचीर से धार्मिक झंडा फहरा दिया था। इस घटना की पूरी देश में आलोचना हुई थी। किसान संगठनों ने खुद को इस घटना से अलग करते हुए दीप सिद्धू को इसका जिम्मेदार ठहराया था और साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि सिद्धू बीजेपी का एजेंट है। दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें पंजाब के कई जगह पर दबिश दे रही थी। आपने देखा भी होगा कि कैसे दीप सिद्धू एक के बाद एक कई वीडियोस जारी कर रहा था। वो वीडियोस बनाता जरूर था, लेकिन जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हो रही थी उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र है जो कि कैलिफोर्निया में रहती है। यानी कि दीप सिद्धू एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। आपको यह भी बता दें कि दीप सिद्धू पर धार्मिक झंडा फहराने और दंगा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। बताया यह भी जा रहा है कि दीप सिद्धू बिहार के पूर्णिया जाने की फिराक में था। दीप की पत्नी और परिवार पूर्णिया में है। अब देखिए, आज दीप सिद्धू तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन लाल किले पर झंडा लगाने वाले कई आरोपी अब भी फरार हैं, जिन पर इनाम घोषित किया गया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वो अभी भी दूर हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले वो सवाल जो आज सवाल आपका में हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। पहला सवाल, दीप सिद्धू गिरफ्तार, अब खुलेंगे क्या राज? दूसरा सवाल, बाकी आरोपियों का नंबर कब? वो आरोपी जिन पर इनाम घोषित है उनका नंबर कब आएगा? कौन है दीप सिद्धू का मददगार जो 14 दिन तक उसको छिपा कर रखा था? कैसे इतने दिन छिपने में कामयाब रहा दीप सिद्धू? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इन पर होगी सवाल आपका में चर्चा। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल इसी मसले से जुड़े। आप क्या सोचते हैं, आपके सवालों के लिए ये मंच है, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देती हूं। किसान नेता है हरविंदर थिंद, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपका रुख करूंगी मैं। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा था कि दीप सिद्धू तो बीजेपी का एजेंट है, आज पुलिस की गिरफ्त में है दीप सिद्धू, क्या कहेंगे? देखिए, इल्जाम लगाना तो बहुत इजी काम है, किसी के ऊपर भी कुछ भी इल्जाम लगा दो आप। हमने आंदोलन में कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग हैं वो भी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ने सब कुछ बीजेपी ने कराया है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया। अब क्योंकि दीप सिद्धू को पकड़ लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, अभी तक ये लोग ये कह रहे थे हर चैनल पे, आपके चैनल पे भी और बाकी सब जगह चैनल पे भी, कि दिल्ली पुलिस पकड़ ही नहीं रही है उनको क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है। अब पकड़ लिया है तो अब देखिए, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने 8 दिन की रिमांड मांगी है और यदि जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम रिमांड लेंगे। यदि वो उसमें कल्पित पाया जाता है किसके साथ उसका कनेक्शन है, किसने उनको बचाया है, तब पर एक्शन होगा। ठीक है, आपके पास वापस लौटती हूँ। हरविंदर जी, आपसे भी सवाल रहेंगे। पहले दर्शक हिसार से विजेंद्र, स्वागत है सर आपका। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं विजेंद्र हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैडम जी एक बात बताइए, आप कह रहे दिल्ली किले पर झंडा फहराया, कौन था वो? मैं ये पूछ रहा हूँ, देश के रक्षा मंत्री पर बंगाल में हमला होता और हमलावर तो एक चोट नहीं लगती, वो लोग कौन थे? ये देश की बीजेपी वालों की आदत है दंगे करवाना और सत्ता में रहना। मैं इसी बारे में पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी वाले बच्चा से, शेखर साहब से। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अपना सवाल किया। शुभेंदु जी, जब दीप सिद्धू को नहीं पकड़ा गया था तब भी आप पर सवाल उठ रहे थे, आज दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में है अब भी सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, इसमें पूजा एक ही बात है कि जिन लोगों ने भी गलत किया है
चाहे भाई साहब ने पूछा बंगाल में या यहाँ पर लाल किले पे, उस पर पुलिस अपना एक्शन ले रही है। सरकार नियम कानून के हिसाब से उसको कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया है, 7 दिन की 8 दिन की वो की है, उसके ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा, जो भी किया जाए, जो भी तरीका है पता लगेगा। इसमें 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, क्या अंतर पड़ना है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास हरविंदर जी, जल्दी से आपका एक रिएक्शन। दर्शक भी जुड़े हुए हैं लाइन पर, क्या कहेंगे, क्योंकि पहले किसान नेता कह रहे थे कि कहां पर है दीप सिद्धू, क्यों सरकार पकड़ नहीं पा रही है, क्यों दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, आज गिरफ्त में है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और अभी इस भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो भाजपा का आदमी नहीं है, तो कृपया आप हमारे लास्ट इलेक्शन जो हुए थे लोकसभा के वो देख लीजिए, कम से कम सनी देओल से पूछ लीजिए, क्योंकि सनी देओल के वो प्रचार प्रचारक थे और जब दरअसल जो एक एक्टर है और स्क्रिप्ट जो लिखी गई है वो राजनीतिक लोगों के द्वारा स्क्रिप्ट लिखी गई है जिनका वो आदमी था और स्क्रिप्ट के ऊपर उस एक्टर ने काम कर दिया। और जब हमने तो उसके साथ नाता शुरू से नहीं रखा, उसने जम्मू बॉर्डर के ऊपर अपना जो मंच लगा रखा था, हमने जो रूट हमारे जो डिसाइड हुए थे उस पे वो नहीं गया, वो तो स्क्रिप्ट के अनुसार काम करता रहा, हमारा उसके साथ कोई रास्ता था ही नहीं शुरू से ही। दो बात आपकी ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं मान लिया जाए अगर वो भी, लेकिन आज तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ना उसको। मेरे और सवाल रहेंगे, मैं एक बार आपके पास वापस आती हूँ। रणवीर सिंह रोहतक से जुड़ गए, रणवीर सिंह जी स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पूजा जी देखो, पहले क्या था, राजनीति में जनता की सेवा के लिए नेता आते थे, अभी नेता आते हैं घर भरने के लिए। हमारी राजनीति का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। सबको पता है कि दीप सिंधु किसका आदमी है, इलेक्शन में कहाँ कहाँ घूम रहा था, किन का साथ दिया, किसके साथ फोटो है, इसीलिए 14 दिन लग गए। इसी तरह दिल्ली के अंदर जब कोरोना काल चला हुआ था कि मौलाना मसूद को पकड़ो, मौलाना फलाने को, साद को पकड़ दिया, अभी वहाँ उसके पीछे लग रहे हैं, आज तक उसको गिरफ्तार किया क्या? आज वो निर्दोष भी हो गया है, तो इसमें निकलना कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद इसके बाद में ये एविडेंस नहीं है, दीप सिंह तो उनको बताने के लिए गया था, ये कुछ कर नहीं रहा था, देख लेना है कि सारा सब कुछ साफ हो जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछूंगी मैं शुभेंदु जी से। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, अपना सवाल की अपनी राय साझा की। हरविंदर सिंह जी, क्या आपको लगता है, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जो भी हिंसा हुई, किसान भी कह रहे थे कि पूरी साजिश के तहत हुई, आप अभी भी कह रहे कोई प्रोपेगेंडा था वो जिसके तहत ये पूरी साजिश रची गई, पूरा प्लान था। अब जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है, 10 दिन की रिमांड भी पुलिस ने मांगी है, आपको लग रहा है कि अब जो भी मास्टरमाइंड थे इस पूरी साजिश के पीछे बेनकाब होंगे वो? अगर निष्पक्ष जांच होती है तो निश्चित तौर के ऊपर जो साजिश करता थे वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट जो माननीय कोर्ट है जिस प्रकार से इसको ट्रायल को चलाएगा उसी हिसाब से जो पुलिस ने अब रिमांड लिया है तो उसके हिसाब से पुलिस काम करेगी। बाकी हमें देश के जो कानून है, देश की जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, उस पर हमें पूरा विश्वास है। देखिए ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है, इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है शुभेंदु जी, 14 दिन तक वो फरार रहा, 14 दिन तक किसने मदद की थी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी की मदद के वो पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाया हो, ऐसे छिपने में कामयाब रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक जो नंबर कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में वो अपनी किसी महिला मित्र के संपर्क में था जो उसकी वीडियोज अपलोड कर रही थी, ये पूरी जांच होनी चाहिए। और देशद्रोह का मामला तो दीप सिद्धू पर दर्ज है ही। अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को पागल बनाने की कोशिश, मैं इसको कहूंगी, की जा रही थी, क्योंकि ये एक कोई प्रोफेशनल अपराधी के तौर पर जिस तरीके से किया गया कि कैलिफोर्निया में वीडियो अपलोड कराई जाती थी, यहां पर बनाई जाती थी। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका सवाल ये था कि कुछ समय बाद ऐसा होगा, कह दिया जाएगा कि कोई सबूत नहीं मिला और वो छूट जाएगा जी। तो लोगों को विश्वास दिलाना कि कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चाहे कोई भी मसला रहा हो, इसको जब भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है इसका रिपोर्ट आएगा, और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, हर चीज बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आएगी। अभी मेरे किसान मित्र ने कहा कि
सन्नी देओल के साथ उनकी फोटो थी। भाई वो पहले बम्बई में काफी समय काम कर चुका है, है एकता कपूर के साथ 3-4 साल, वो 2.5 साल पौने 3 साल उसने काम किया है, उसके अपने कनेक्शन थे। और जब सन्नी देओल जी वहाँ पे चुनाव लड़ने आए तो उनके साथ में रहा वो, पर उसका अपना आप देखिए कि वो उसके साथ जो निखिल भल्ला है, निखिल भल्ला ने जो जो बहुत अच्छा दोस्त है जिसने उनके साथ निकल के सब फोटो है उसकी निखिल भल्ला की, हाँ, और जब राहुल गांधी के साथ फोटोज हैं, प्रियंका गांधी के साथ फोटोज हैं, देखिए अब ये क्या कहेंगे कि इसमें कांग्रेस का भी हाथ था क्या? देखिए किसी के साथ फोटो होने से कोई, मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी फोटो है किसी के साथ, इसका मतलब यह है कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा? लेकिन नहीं, एक सवाल मेरा तो ये कहना है, ये पकड़ा जाएगा। आपकी बात ठीक है शुभेंदु जी, आपकी बात ठीक है कि फोटोज क्लिक कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटोज होना, इस तरह तो कोई जाकर के फोटो क्लिक नहीं करा सकता, गृह मंत्री के साथ फोटो होना। खैर हम, मैं इस मसले पर अभी नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो पुलिस की गिरफ्त में, आज का हमारा मसला ये है, टॉपिक ये है कि अब आगे की जाँच किस तरीके से होगी। जी देखिए बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, उसने कहां कहां पे अपने इस 14 दिन के अंदर में 6 लोकेशन चेंज किए हैं, पुलिस बता रही है, उन 6 लोकेशन से कहां कहां पे रहा, किसने उसकी मदद करी और क्या क्या चीज है, उसके अकाउंट को भी चेक करना चाहिए कि उसके पास कहां कहां से पैसा आया। जब ये सब चीजें पता चलेंगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहली वीडियो को आप देखिए, उसने कहा था कि यदि मैंने मुंह खोला, जब इन सब लोगों ने मना कर दिया कि मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, तो उसने कहा था पहली वीडियो में कि जब मैं मुंह खोल दूंगा तो आप सब लोगों के लिए गलत हो जाएगा। तो ये देखिए कहां से वो आया है, ये सब चीजें 2-4 दिन में पता चल जाएगी। या तो हमारी भी मजबूरी थी। पास एक दर्शक है सुमेर चंद पानीपत से, सुमेर चंद जी स्वागत है, सोनीपत से, ठीक है। हेलो, हाँ जी, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए अनजान से अनजान, भोले से भोला आदमी इस देश में ये जान जाएगा, ये जो लाल किले में भीड़ गई और झंडा लहराया, ये सारा का स्टेज मैनेज था। क्यों पुलिस ने क्यों घुसने दिया लाल किले जैसी जगह में? यूं ही चले जा लोग, वहां पर आर्मी भी बैठी है और सारा सब कुछ होते हुए और इतनी भीड़ वहां चली गई, ये तो जो है ऊपर से हुक्म था यूं कर लो, और पुलिस ने यूं करने दिया। हमारे देश बहुत बढ़िया देश बनाया है, खुश रहो, धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। हरविंदर जी, फिलहाल जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बात आप कह रहे थे उस बात का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। 14 दिन के बाद ही सही, लेकिन दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में तो आया है, धीरे धीरे राज खुलेंगे, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन किसानों का अभी क्या स्टैंड है इस पर? देखिए हमारा जो आंदोलन था, दीप सिद्धू हमारा शुरू से पार्ट नहीं रहा, जैसा कि आप पंजाब में भी देख सकते हो हमारा पार्ट नहीं था, यहाँ भी वो हमारा पार्ट नहीं था, और जो हमारा था उससे अलग उसने अपने आशाओं से आज्ञा का पालन करते हुए एक्ट किया है, ये बात है। तो जहाँ तक हमारा, हम तो अपने आंदोलन कर रहे हैं, हम इस दीप सिद्धू वाले बैठक पे अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते, और ये जिनका था जिसके ऊपर वो ही अपना लेकिन हरविंदर जी देखिए, आप कह रहे हैं कि इस वाले मैटर पे हम टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, आप समझिए, अगर किसी भी तरीके से ये जो किया गया, तरीका कोई भी हो, इसके पीछे साजिश किसी की भी हो, लेकिन जिन भी दंगाइयों ने ये किया है, कहीं ना कहीं उससे किसान आंदोलन की बदनामी करने की भी तो कोशिश की गई है ना, इस बात को मानते हैं आप? तो हमने टोपी टाइम इसको खोल दिया था और बिल्कुल हमारे रूट के अनुसार वो नहीं चला, और उसके बाद हुआ क्या, अब देखिए जब वो चलता है यहाँ से, उसके बैरिकेड रूलिंग किसने की, पहली बात। दूसरी बात, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, देश की हमारी राष्ट्रीय विरासत के अंदर लोग घुस जाते हैं, उनको रोका तक नहीं जाता, उनको खुलेआम छत पे चला दिया जाता है, उनको खुलेआम वहां पर प्रदर्शन करने की जो इजाजत दी है, या तो भाजपा के हमारे मित्र बैठे वो ये मान लें कि हमारा जो खुफिया तंत्र था, हमारा जो सुरक्षा कवच था, उसको भेजने के अंदर ये लोग कामयाब हुए, और या ये मान लें कि हमारी ये खुद की प्लानिंग थी, हमने ये करवाया, दोनों में से एक बात तो माने ना। शुभेंदु जी, इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर साजिश? देखिए इंटेलिजेंस कुछ फेलियर नहीं था, इनके लोग
लगभग एक दो लोग हो, चार लोग हो जो इनके नहीं है, एक लगभग 30-40-50 हजार लोग ट्रैक्टर से वहाँ पहुँच गए। यदि वहाँ पर पुलिस रुकती और पुलिस फायरिंग करती और 400-500 लोग मर जाते हैं, तब ये 26 हजार लोग कह रहे हो। फिर आप नहीं, झूठ नहीं बोलोगे आप? देखिए मेरी हरियाणा में जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप 50 हजार लोग नहीं कह सकते, 400-500 लोग कह सकते हो। 50 हजार लोग सुन लीजिए ना, पहले मेरी सुन लो। तो रास्ते में कितने लोग थे जिन्होंने, हरिंदर जी जब आप बोल रहे थे तब मैंने नहीं बोला है, इसलिए मेरे को मेरी पूरी बात को पूरा करने दीजिए। ये इतना सब बड़ा स्टेज, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई और इतना बड़ा काम कर सकती है कि इतने सब लोगों को इकट्ठा करके ले आई और उन्होंने वहाँ पे लाल किले पे ले गए। यदि उस दिन पुलिस ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया होता, शांति से हैंडल नहीं किया होता, तो ये जो 26 जनवरी 2021 हुई है, ये अच्छा, एक तरीके से मातम मनाती थी। सवाल आपसे मैं पूछना चाहूं, हमने नहीं होने दिया, बीजेपी ने ध्यान से रखा कि ये लोग चलो आ गए हैं, इस पर हम एक्शन लेंगे। ठीक है, आज आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आप क्या कर रहे थे जब सुबह गिरफ्तारी हुई है दीप सिद्धू की? उस वक्त कई बार पुलिस कहते कि पंजाब के जीरकपुर से मिला है, कई बार कहते करनाल में खड़ा हुआ था। कोई ऐसा आरोपी जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित हो, उसकी लोकेशन ही नहीं पता कि वो कहां से गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, क्या वो ऐसे ही खड़ा हुआ था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया सड़क पर खड़ा था क्या 1 लाख का इनामी आरोपी? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताएगी, उसके समय पर 7 दिनों में उसकी लोकेशन को चेक कर रहे थे हम लोग। हरविंदर जी, एक बार आऊंगी आपके पास। शुभेंदु जी, जवाब दीजिए पहले। हाँ, 8 दिनों में उसने 6 लोकेशन चेंज करी है अपनी, जिसमें जीरकपुर भी आ रहा था, हर जगह की चीजें आ रही है, तो पुलिस उनके ऊपर वर्क कर रही थी। और इसलिए उसकी 7 दिन का कल का जो कल आपका जो स्टेटमेंट पुलिस का आएगा, उसमें उन उन लोकेशन पर जिन जगह पे वो रुका है उनके सबके नाम भी आएंगे, तब आपको जीरकपुर भी सही लगेगा और ये भी पता लगेगा कि करनाल में कैसे आया वो। शुभेंदु जी, अगर कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो इस तरीके के बयान जारी नहीं करने चाहिए थे, ताकि लोगों के अंदर कोई संशय ना बने। देखो मैडम, बयान नहीं जारी है, उसके 3 लोकेशन पे आइडेंटिफाई हुआ, 1, 2 और 3, तीनों लोकेशन पे 3 जगह पे पुलिस गई थी, 1 जगह पे वो पकड़ा गया। तो ये तो ऐसी कोई चीज है जो कल पुलिस बता देगी, इससे क्या अंतर पड़ना है, यहाँ नहीं था वहाँ था? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने उसको संभाल के रखा? अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है तो सवाल है सर। शुभेंदु जी, सवाल जो जहन में आएगा, देखो पूजा, उसका जीरकपुर के अंदर लोकेशन मिला था जहाँ पे वो 3 दिन रहा है, उसके बाद हम लोगों ने जब वहाँ पे उसको ट्रेस किया तो वहाँ से उसने छोड़ के यहाँ पे आ गया करनाल पे भी वो 1.5 दिन रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको पकड़ा गया। ठीक है, और अभी भी वो बिहार जाने के पास वापस लौटूंगी। कालका से एक दर्शक है, राम शर्मा, स्वागत है सर। उस दिन सरकार का बिल्कुल फेलियर है, चाहे 10 करोड़ भी हो, लाल किले पर क्या है किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए और किसी लाल किले पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने देश के लाल किले की रक्षा नहीं कर सकते, हम किसी चीज की भी रक्षा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसका जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हरियाणा से, अजय सिंगल, अजय जी स्वागत है। अजय जी, राजेश सिंगल जी। हाँ जी, हाँ जी, ये आप दिखा रहे हो? हेलो। हाँ जी सर, सुन रहे हैं, बताइए। दीप सिंधु बदली, मैं आपको कुछ वीडियो दे रहा हूँ, जहाँ पुलिस वाले इससे भी ज्यादा पान करे तिरंगा, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? सर मैं तो नहीं पकड़ सकती ना सर, मैं तो पत्रकार हूँ। नहीं, फिर वो आप दिखाओ ना। मैं ये करता हूँ। ठीक है सर, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हर तरह की वीडियो खबर फास्ट ने दिखाई है, चाहे वो कैसी भी वीडियो, बहुत निष्पक्ष तरीके से हर वीडियो दर्शकों के सामने रखी गई है, हर किसी से सवाल पूछे गए हैं। मेरे साथ अभी भी 2 मेहमान बैठे हुए हैं, किसान है, एक बीजेपी के प्रवक्ता है। मुझे लगता है मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, जो भी सवाल मेरे जहन में आ रहा है मैं दोनों से पूछ रही हूँ। बिल्कुल पूजा जी। हरविंदर जी, क्या कह रहे थे आप, पूरी कीजिए अपनी बात, फिर शुभेंदु जी के पास आओ। सीधा कानूनी प्रक्रिया है, जहाँ पर भी किसी आरोपी को आप पकड़ते हो, नजदीकी थाना के अंदर जाकर के पुलिस के पास थाने में ले जाकर के उसका उसको अरेस्ट दिखा देना चाहिए। इन्होंने पहले दिखाया है जीरकपुर में पकड़ा, फिर दिखाया करनाल में पकड़ा, फिर हरियाणा पुलिस ने पकड़ा, फिर जाकर के जीरकपुर से हरियाणा पुलिस ने पकड़ा, फिर उसके समय के ऊपर इनको डाउट है, कभी 5 बजे दिखाते हैं, कभी रात को दिखाते हैं।
अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उस बंदे को पकड़ कब रहे और कहां से रही है। ये तो मतलब बिल्कुल मिसमैनेज प्रशासनिक कार्रवाई हुई है इसके ऊपर, और अब आगे की कार्रवाई के ऊपर फिर संदेह तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। शुभेंदु जी, अभी तो गिरफ्तार हुआ है दीप सिद्धू, अभी से संशय हो रहा है। देखिए इनको तो हर व्यक्ति के ऊपर संशय रहता है, सुप्रीम कोर्ट पे भी कल संशय करेंगे। अरे आज पकड़ा गया है, कल कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट के सामने बीसी होगी, सब चीज बताया जाएगा, जो कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है, उसमें क्या चीज है। मैं बार बार हरविंदर जी आपको कहना चाह रहा हूँ, दीप सिद्धू को पकड़ा गया है, उसको लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट होंगे, उसके 8 दिन तक इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आप कल को ये जब ये पता चलेगा कि किसान के लोगों के साथ जो लोग वहां पे ऐसे बैठे हैं, अराजक तत्व बैठे हुए हैं, उनके कहने पर ये आया था, तब आप ये कहोगे कि दिल्ली पुलिस ने उसको इतना चट कर दिया, इतना मारा, इतना पीटा कि अब वो ऐसा बोल रहा है। देखिए हर प्रश्न के जवाब आपके पास है, आप कभी ये नहीं मानोगे कि गलती आपकी है। आपने उस दिन भी नहीं माना कि लाल किले की क्यों दिन लाल किले में 26 जनवरी को लाल किले में रैली क्यों निकालनी है, 26 जनवरी में दिल्ली में क्यों रैली निकालनी है, बहुत मना करते रहे, आप तब नहीं माने। फिर कहा कि जो लोग आए वो हम नहीं थे, हमारे लोग नहीं थे, वो लोग भाजपा ने भेजे, जो आदमी था वो भी मेरा नहीं है, हर चीज को आप मना कर रहे हो। अब जो पुलिस कह रही है और कल कौन डिसाइड करेगा कि ये जो दीप सिद्धू है वो किसानों में जो अराजक तत्व आ गए हैं उनका आदमी है, तब आप कहोगे कि कोर्ट को भी सेट कर दिया। तो देखिए ये चीज ठीक नहीं है, और आपको कहना सबसे इजी है कि साहब हमारा आदमी नहीं है, जो गलत है उसको पकड़ो और आप गलती करते जाओ। तो ठीक है, अभी इस मसले पे मुझे लगता है कोई किसी तरीके की कोई भविष्यवाणी ना की जाए तो ही सही रहेगा, पुलिस अपना काम करे निष्पक्ष तरीके से, वो सभी चाहते हैं तरीके से काम करिए, जिसका आदमी होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। बिल्कुल एक्शन होना भी चाहिए, जिस तरीके की हरकत हुई है किसी ने भी की हो, एक्शन होना चाहिए। यदि कोई एक्शन हुआ है तो उसको जरूर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास, रिक्वेस्ट करता हूँ, आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ। हरविंदर जी, एक दर्शक है काबुल सिंह अटारी बॉर्डर से, स्वागत है सर। काबुल सिंह जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं चारी बागा बॉर्डर अमृतसर पंजाब से पंजाब बॉर्डर किसान यूनियन का जिला प्रधान हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं आंदोलन में काफी 13-14 दिन लगा के गया हूँ, जब लाल किला में कोई प्रवंधा भी फर नहीं मार सकता तो उस टाइम सुरक्षा कहाँ थी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की, अपना सवाल किया। हरविंदर जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद जाते हैं शुभेंदु जी के पास। अभी शेखर जी कह रहे थे कि पुलिस कल को उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये मानेगा कि मुझे किसानों ने भेजा है, ये तो पहले भविष्यवाणी कर रही और फिर कह रहे आप इसको मानोगे नहीं, और ये भविष्यवाणी तो उन्होंने कर भी दी है। हरविंदर जी अगर लाई डिटेक्शन टेस्ट होगा, अगर लाई डिटेक्शन टेस्ट होगा, जिसने भी भेजा होगा, आप लोग कह रहे थे सरकार का आदमी है, सरकार ने भेजा होगा वो भी तो आ जाएगा ना सामने, सबके सामने आएगा। फिर किसान ने भेजा किसी, या सरकार ने भेजा, या विपक्षी पार्टी ने भेजा, सबके सामने आएगा वो। मैं तो ये कहूंगी हमारा तो वो शुरू से उसके साथ कनेक्शन था ही नहीं, और अब आज ये कह रही है हमारा नहीं था, जब उसको चार्ज बनाया था अपने गुरदासपुर के इलेक्शन में, तब उसको चार पर चार की सूची में दौड़ डाला इन्होंने, सुन्नी रोल का चार पर चार का इलेक्शन मैनेजमेंट, जब तो उससे काम लेना था। अब जो भी वो करवा टू कर रहे हैं तो उस समय इनका चार पर चार का था, बस एक्सेप्टेड कार्ड जो रिजेक्टेड हो गया, आज हमारा हो गया। देखिए हरविंदर जी, हम आपका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके आंदोलन से वो लोग निकले और उन्होंने लाल किले पे जाके गलत काम किया, देश के विरोध में काम किया, इसलिए हम आपका नाम ले रहे हैं। यदि वो कहीं आया होता और हम आपका वो बता दीजिए जनता को। मैं सर ये समझ नहीं पा रही कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या होगा। एक सरकार का आदमी, एक किसान नेता हमारे साथ बैठे, एक सरकार का प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों जिम्मेदार नागरिक हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा।
दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। इसका सोल्यूशन, इसका पूजा, इसका सोल्यूशन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लाइव डिटेक्शन टेस्ट करेगा, कोर्ट के सामने होगा, सब चीजें उसके सामने है, अपने आप सामने आ जाएगा। शुभेंदु जी, इस वक्त तो सब यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और लोगों को भरोसा मिले कि जांच निष्पक्ष होगी। देखिए, कोर्ट में यदि मैटर है और कोर्ट में यदि जांच होगी तो निष्पक्ष ही होगी, तो पुलिस जांच थोड़ी ना बना रही है, कोर्ट के अंडर में मैटर है। अच्छा, बाकी आरोपियों का क्या? मेरा आखिरी सवाल है आपसे शुभेंदु जी, बाकी आरोपियों का क्या होगा? लखा सिदाना है, वो भी तो, उसकी भी तो लोकेशन बार बार अलग अलग आ रही है। देखिए, अगले जो समय लग रहा है, 1-2-3 लोग पकड़े गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन है, लोगों के कनेक्ट है उनके साथ, और वो लोगों को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस और भी देश की बाकी हरियाणा पुलिस और भी पंजाब पुलिस भी इसको ढूंढ के, जो लोग भी, देखिए पंजाब का में भी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, पर वो लाल किले पर कोई भी अटैक नहीं चाहती है। यदि वो वहां पे भी होगा तो सभी सरकारें मिलकर लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने गलत काम किया है, और उनके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ सवाल आपका में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दीप सिद्धू गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन उसी की गिरफ्तारी के साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अब क्या साजिश के तार कहां कहां पर जुड़े थे, इसका भी खुलासा होगा, क्योंकि आपने कई वीडियोस देखे होंगे दीप सिद्धू के, बार बार जारी किए गए थे उसकी तरफ से, जिसमें से एक वीडियो में यह कहा गया था कि अगर मैं बोलने पे आया तो कई चीजों का खुलासा करूंगा, कई नामों का खुलासा करूंगा। अच्छा, वो इशारा किसकी तरफ था या वो सिर्फ एक धमकी थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है। 10 दिनों के लिए पुलिस ने रिमांड पर रखा है, उम्मीद की जा रही कि निष्पक्ष जांच होगी, सामने आएगा कि आखिर किसके कहने पर यह हिंसा हुई, इस हिंसा का सूत्रधार कौन था। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।